السلام عليكم ورحمة الله. لا لا برافو. अभी लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस इन पाइथन। तो इनहेरिटेंस के लिए हमने देखा था, लास्ट टाइम में हमने डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो यहाँ तक पहुँचे थे। इनहेरिट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कार की क्लास हमारे पास कुछ ऐसा था, हमने ऑटोमोबाइल की बेस क्लास बनाई थी, पेरेंट क्लास। ये ऑटोमोबाइल की बेस क्लास बनाई थी, उसके जो एट्रीब्यूट से मेक मॉडल माइलेज और प्राइस था, और उसके इनिट का जो है वो फंक्शन हो गया, इनिशियलाइजेशन का फंक्शन जो क्या करता है, उनको इनिशियलाइज करता है। फिर इसके चार सेटर और चार गेटर थे, सेट मेक, सेट मॉडल, सेट माइलेज, ठीक है, और चार ही गेटर थे जैसे आमतौर पर हमारे पास होते हैं। ठीक तो इसमें इसमें हमने ये हमारे पास हमने कार की क्लास ने इनहेरिट किया था ऑटोमोबाइल को, पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। अब इसका जो इनिशियलाइजर है वो में पांच वैल्यूज चाहिए होंगी, चार जनरलाइज वैल्यू जो पेरेंट को चाहिए और एक वो जो इसकी स्पेशल थी। तो चार वैल्यूज को सेट करने के लिए हमने ऑटोमोबाइल का इनेट को कॉल किया और उसकी चार वैल्यू सेट की, और इनिशियल पांच भी वैल्यू यहाँ सेट कर। इसी तरीके से इसके गेटर और सेटर दो ही बनने थे, एक सेटर और एक गेटर, ठीक है, और ये हमारे पास क्लास मुकम्मल हो गई। अब इस क्लास को आपने रन करके देखा था, आपने क्या किया कि आपने यूज कार के नाम से व्हीकल डॉट कार, व्हीकल आपको तो मॉड्यूल बन गया जिसके अंदर पेरेंट क्लास थी, उसका आपने जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, वो RD2007 और ये हमने सेट किया। उसके बाद हमने वो गेटर की मदद से उनको प्रिंट करवा दिया, तो हमारे पास वो डिस्प्ले हो गया। इस तरीके से जो है हमारे पास ये हो गया। इसी तरीके से ट्रक की क्लास है, ट्रक की क्लास भी इनहेरिट कर रही है ऑटोमोबाइल को, और सेम वही क्राइटेरिया है कि इनेट के अंदर वो कॉल करता है ऑटोमोबाइल के इनेट को, तो इसके दो गेटर और सेट बन गए। तीसरी क्लास SUV की है, वो भी सेम इसी तरीके से। आगे हमारे पास जो है एक और एग्जाम्पल है, ये ट्रक की आ गई, ट्रक कैसी होगी, और वो उसको यूज कर लिया। अब UML डायग्राम में हम इसको कैसे शो करते हैं, ये आपकी पेरेंट क्लास है ऑटोमोबाइल की, ये तीन क्लासों को इनहेरिट कर रही है, किस किस को, कार को, ट्रक को और SUV। और इसके इसके चार जो है हमारे पास एट्रीब्यूट थे पेरेंट के, और इनके एडिशनल एक एक एट्रीब्यूट है। इसके एट्रीब्यूट नंबर ऑफ डोर है, इसके ड्राइव टाइप है, और इसके नंबर ऑफ पैसेंजर कैपेसिटी है, ठीक है। और इस तरीके से जो है ये जो साइन है ये इनहेरिटेंस का साइन है, ये जो एरो साइन है ये इनहेरिटेंस का साइन है। एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने है कि यहाँ पे हमारे पास एक है सेविंग अकाउंट की एग्जाम्पल। सेविंग अकाउंट में क्या चीज़ें चाहिए है, अकाउंट नंबर चाहिए है, इंटरेस्ट रेट चाहिए और बैलेंस चाहिए। तो सेविंग अकाउंट में
इनिट का फंक्शन बन गया जो इसको इनिशियलाइज करता है। इसके अब तीन एट्रीब्यूट है तो तीन गेटर तीन सेटर तीन गेटर और तीन सेटर बनते हैं। ठीक है, ये गेटर आ गए, ये सेटर आ गए। और इसके अलावा अब हमने क्या किया, एक सीडी अकाउंट बनाया। सीडी क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सीडी अकाउंट जो इनहेरिट कर रहा है सेविंग अकाउंट को, यानी इसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या है, इसकी मेच्योरिटी डेट है। क्या है, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी डेट। तो जो इसकी मेच्योरिटी डेट है वो इसका एडिशनल पैरामीटर हो गया या इसका स्पेशलाइज पैरामीटर हो गया, और रिमेनिंग जो है वो जनरलाइज पैरामीटर हो गया। जनरलाइज के लिए सेविंग अकाउंट वैसे ही कॉल कर लिया, और इसका मेच्योरिटी डेट जो है यहाँ पे हमने सेट कर लिया जैसे पहले हुआ। ठीक है, और अकाउंट का डेमोन्स्ट्रेशन करके अगर आप इस प्रोग्राम को चलाए तो वो क्या यूज़र से पूछता है ऐसा सेविंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन, बाद में दिखा दें। ये हमारे पास सेविंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन, दो अकाउंट्स की भी दो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन इसने शो कर दी। ठीक हो गया, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है पॉलीमॉर्फिज्म आ गया। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, सब क्लास टू हैव मेथड विद सेम नेम विद हैव अ सेम नेम विद हैव अ मेथड इन सब क्लास विद सेम नेम एज देयर सुपर क्लास। यानी सेम नेम के साथ सुपर क्लास में भी हो और सब क्लास में भी हो तो ये आपको क्या वैलिडिटी देती है पॉलीमॉर्फिज्म की, टू कॉल ए correct method depending on the type of object that is used to call it. अब यहाँ पे इस चीज को कैसे implement किए इसको देखिए। इसने एक क्लास बनाई है मेमल की क्लास, मेमल जो है generalized class है, उसमें उसने एक attribute species का लगा दिया। species का मतलब कि किस के मेमल, कौन सा मेमल है, dog है, cat है, बफलो है, गोट है। ठीक है, तो वो उसकी जो है, उसके बाद उसका जो है इनिट का फंक्शन है। फिर उसकी एक और फंक्शन बनाया मेक साउंड, तो वो बोलता कहते हैं। तो एनिमल है तो उसकी तो जो है वो बोलना क्या है, गर 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 गर। भी एनिमल का तो आप नहीं बता सकते ना कि वो क्या है। अब मेमल में देखो हर एक की अलग अलग आवाज है, इसलिए इस आवाज को हमने कन्फ्यूज आवाज गर 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 रखा। ठीक है जी, उसके बाद जो है इसके अब स्पेशलाइज वर्जन आ गए। स्पेशलाइज वर्जन एक क्लास बनाई डॉग की जो कि मेमल से बिलोंग करता है, उसके इनिट के अंदर उसमें स्पीशीज में क्या सेट किया कि डॉग स्पीशीज में इनिट को कॉल किया ना, यहाँ पे स्पीशी जो इनिट थे इनिट पे क्या सेट हो रही स्पीशीज, इनिट के अंदर क्या सेट हो रहा है ये देखिए, ये इनिट में स्पीशीज सेट हो रही है। जो भी आप पास करते हैं स्पीशीज वो सेट हो रही है, और शो स्पीशीज में वो उसको बता देता है कि आई एम डॉग, आई एम कैट, आई एम फला, तो वो अपनी स्पीशीज बता देता। तो यहाँ पे इनिट के अंदर डॉग को सेट किया और मेक साउंड में वाओ वाओ वाओ। ठीक है, तो अच्छा अब क्या किया जी, यहाँ पे एक कैट की क्लास बनाई, वो भी इनहेरिट करी मेमल को, वो भी अपनी स्पीशीज सेट करती है और अपनी साउंड सेट करती है। देन हमारे पास एक और, अब यहाँ पे ये भी अपने आप को शो स्पीशीज करता है तो कैट कर देती है, और मेक साउंड करती है तो मेव कह देती है। ये हमारे पास ये दोनों चीजें। अच्छा अब इसमें पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हुई उसको देखते हैं। हमने क्या किया, मेन बनाया, मेन बनाया, मेन के अंदर मेमल का
एक ऑब्जेक्ट बनाया रेगुलर मेमल, और एक डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, और एक जो है हमने कैट का बनाया। तीन ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया शो मेमल इनफो। शो मेमल इनफो वो क्या करता है, एक आर्गुमेंट लेता है और देन उस आर्गुमेंट की मदद से स्पीशीज को कॉल करता है, शो करता है। अच्छा, तो यहाँ पे अब होता क्या है, अब यहाँ पे मेमल पास करते हैं इसको, तो वो मेमल का स्पीशीज दिखा देता है। डॉग पास करते हैं तो डॉग को, ये इसमें खास चीज क्या है, खास चीज ये है कि तीनों मरतबा आपकी कॉल सेम है, तीनों मरतबा आपकी कॉल सेम है, लेकिन हर दफा शो किसको करता है, जिसका ऑब्जेक्ट पास करते हैं, जो ऑब्जेक्ट पास करते हैं वो ही दिखाता है। अब जैसे पहले एनिमल पास किया तो वो घर घर गया, ठीक है, और आपने डॉग पास किया तो वो, ठीक है, और कैट पास किया तो मैं, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से इसमें पॉलीमार्फिज्म होगी। पॉलीमार्फिज्म कैसे होगी, क्योंकि सेम ही फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन तो सेम है, शो मेमल इनफो, शो मेमल इनफो, शो मेमल, तो जिसका भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास होगा वही चीज शो हो जाएगी। इसके बाद अच्छा, इसमें एक गड़बड़ भी हो सकती है। गड़बड़ क्या हो सकती है, जरा उसको देखते हैं। कि मतलब कोई गलत टाइप दे देता है, गलत टाइप का क्या मतलब, मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल देखें कि इन्फो के अंदर हमें वो क्रिएचर चाहिए होती है ना, ये फंक्शन है क्रिएचर, क्रिएचर में डॉग पास करेंगे तो डॉग आ जाएगा, कैट पास करेंगे तो कैट, कोई नई चीज पास कर दें, कोई और क्लास जो इस मेमल से बिलोंगिंग करती है, तो तब ये जो है यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट करेगा। एक्सेप्शन कौन सी, एट्रीब्यूट एक्सेप्शन। तो उससे बचने के लिए फिर हमारे पास क्या हाल है, जैसे यहाँ पे इसने पास किया, अपने शो मेमल इनको किया, मेमल को पास किया है, शो मेमल इनको किया, अपने डॉग को पास किया है, शो मेमल इनको किया, अपने कैट को पास किया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन शो मेमल इनको को आपने किया और इसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग पास कर दी, स्ट्रिंग भी तो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का, स्ट्रिंग क्लास का। तो अब ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट जब इसको मिलेगा, तो इसमें तो वो शो स्पीशीज और शो साउंड तो है नहीं, मेक साउंड तो है नहीं, तो यहाँ पे वो क्या होगा, तो यहाँ पे अब होना क्या चाहिए, यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए। अब इसको कैटर करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है इज इंस्टेंस का, वो चेक कर ले कि जो ऑब्जेक्ट पास हुआ है वो मेमल से बिलोंग करता है या किसी और से। अगर तो मेमल से बिलोंग करता है तब तो वो कॉल करेगा शो स्पीशीज और मेक साउंड, अदरवाइज वो एल्स में क्या कर देगा, दैट इज नॉट ए मेम्बर, मैसेज दे देगा ये मेम्बर नहीं है, एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा इस सूरत में, फिर एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा। तो जब आप गलत देंगे तो फिर वो इस तरीके से शो कर देगा कि जनाब दिस इज नॉट ए मेम्बर, ठीक है जी। तो यानी इसके लिए हमारे पास फिर क्या है, इज इंस्टेंस का फंक्शन है ये वाला, इंस्टेंस का, इज इंस्टेंस क्या इंस्टेंस है, अगर वो उस टाइप का होगा तो वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहाँ तक के क्वेश्चन में पूछ लिया, चैप्टर खत्म हो गया, अब इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। तो जी ये क्वेश्चन है भाई, किसी का कोई क्वेश्चन हो, नहीं है जी, चलो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं रिकर्जन का। शुरू करना है नेक्स्ट चैप्टर, यहीं तक रखना है, ओनली रेस का मतलब ये है कि शुरू कर ले।
बोलना चाह रहे हैं, आवाज बंद है, मैंने आवाज खोल दी मैंने। ठीक है इतना ही। चले चले अटेंडेंस ले लेते हैं। मुझे अटेंडेंस सेंड कर देना, डीआर या सीआर जो भी हो जाए। जी सर, मैं लेकर भेजती हूँ।